आइए यहाँ पे, इतने ज्यादा जो है यहाँ पे उनके चाहने वाले जो है, और देख सकते हैं ये गाड़ियाँ निकल रही है, और मनीष कश्यप को भी दिखाने का आप लोग प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए ठीक है, मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ और जेल जा रहा हूँ मैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में हो रहे मामला को देखकर अपनी आवाज उठाई सच तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और उसी विवाद को लेकर मनीष कश्यप पे फेक वीडियो वायरल करने के जुर्म में FIR दर्ज कर दिया गया, और उसी FIR दर्ज होने की वजह से आज मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, एक बिहारी पड़ेगा सब पर भारी, ये कहावत सच होगी या शिकंजा और कसा जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मनीष कश्यप के ऊपर जमकर बरसे तेजस्वी यादव, जो बिहार खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। जो कर रहे हैं जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु विवाद पे FIR दर्ज होने के बाद मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को खुले आम चैलेंज दे दिए। दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखा है ना, नहीं बनने दूंगा। उसी को लेकर मनीष कश्यप का माहौल बिगड़ गया, और आपको बता दूं कि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री ना बनने का चैलेंज दिया, और वही चैलेंज मनीष कश्यप को बहुत बुरा तरीका से फंसा दिया, और मनीष कश्यप को बेतिया पुलिस स्टेशन के जरिए अरेस्ट कर लिया गया। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय मनीष कश्यप के सपोर्ट में कोई नहीं है। उसने बिहारी को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया, उसकी लाइसेंस ही होनी चाहिए, पत्रकारिता की लाइसेंस। और आपको बता दूं कि मनीष कश्यप ने गिरफ्तार होने के डर से घर से बहुत ही ज्यादा दूर भागते हुए नजर आ रहे थे, और उसी को देख बिहार पुलिस द्वारा मनीष कश्यप के घर का सामान और घर सहित कुर्की किया जा रहा था। मनीष कश्यप के ऊपर बेतिया पुलिस जिले में टोटल 7 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं, एक जो बचे हुए केस है उसमें माननीय न्यायालय से कुर्की के लिए प्रे किया गया। तो जी हाँ, उसके बाद मनीष कश्यप ने अपने आप को गिरफ्तारी दिए हैं। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि मनीष कश्यप अपने आप को बचा पाएंगे कि नहीं। तो खैर दोस्तों, आप जनता जनार्दन हैं, अगर आप चाहेंगे तो मनीष कश्यप को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि मनीष कश्यप दोष है या निर्दोष। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं।